ये दो दो आइटम स्पेशल आइटम। वेलकम टू सिंपली लक्ष्मी लाइफ। कृति रेडी? कहाँ जा रहे हो? बैडमिंटन क्लास। अच्छा, कृति का नया ड्रेस आ गया है बैडमिंटन के लिए, बैट भी है। आज कृति प्रॉपर जा रही है अपने नए शूज के साथ, है ना? चलो बाय बाय बाय। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं और हम भी बहुत अच्छे हैं। सो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और अभी मैं लंच का प्रिपरेशन कर रही हूँ। और ये ना बंगाली में हम लोग किंदूरी बोलते हैं, तो इसको फ्राई कर रहे हैं। ये एकदम से बॉयल नहीं होता है, ऑनियन के साथ फ्राई, ये बहुत अच्छा लगता है। और अभी मैं पापा के लिए चाय बना रही हूँ। कभी कभी पापा बोलते हैं कि चाय बनाने के लिए, सो बेंगलोर का वेदर भी ऐसा है कि आपको बार बार चाय पीने का मन तो करेगा ही। और कृति 11 बजे अपनी क्लास खत्म करके आ जाती है और आने के बाद उसकी बातें जो है खत्म ही नहीं होती है। सो यहाँ पे मम्मी जो साग बना रहे हैं ना, ये जो ड्रम स्टिक है उसी का लीव है। और ये ना जिसको हाई ब्लड प्रेशर है उनके लिए बहुत अच्छा है, तो इसके लिए मम्मी पापा दोनों के लिए ये हेल्पफुल है। और अभी मैं किचन को थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी, क्योंकि किचन एकदम से फैल जाता है कुकिंग के बाद। तो जब भी खाना खाने के और कुकिंग के बीच का जो टाइम रहता है ना, उस टाइम पे मैं किचन को थोड़ा बहुत क्लीन कर लेती हूँ, ताकि किचन एकदम से साफ़ हो जाए और खाना खाने के बाद मेरा काम ज़्यादा ना रहे। तो वही काम मैं अभी कंप्लीट कर रही हूँ। तो बारिश होने के बाद का जो वेदर है उसको एंजॉय कर रहे हैं ना। कितना मतलब भयंकर बारिश हुआ, लेकिन ठंड नहीं है एकदम से, है ना? हवा नहीं है। बिजली कड़क रहा है। दोस्तों, चाय तो हम रोज़ पीते हैं, लेकिन बारिश के साथ चाय पीने का कुछ अलग ही मज़ा है, और वो भी जब फैमिली पूरा साथ में रहे। और अभी मैं थोड़ा सा चूड़ा फ्राई कर रही हूँ, जो कि चाय के साथ अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम लोग बैठ के देख रहे हैं भूतनाथ, जो कि कृति फर्स्ट टाइम देख रही है, और उसको तो बड़ा मज़ा आ रहा है। Colors.
गाइस, सो आज है फ्राइडे। मंडे के बाद मैं फ्राइडे को शूट कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोग वीडियो नहीं बनाए। मम्मी कॉरिडोर पे गिर गए थे और कृति को भी थोड़ा सा फीवर था, मुझे भी कोल्ड हो गया था, तो काफ़ी दिन गैप हो गया। आज फ्राइडे को फिर से हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं। हाँ, जस्ट ओकन ड्रेस नहीं है। এটাই থাক তাহলে, কেমন আছো এখন বলো? এখন অনেকটা ভালো, ব্যথাটা অনেক কমেছে, আগের থেকে অনেকটা কমেছে। ফার্স্ট ডে যে থা পেন উসে সেকেন্ড ডে জাদা বড় গিয়া থা, হ্যাঁ না? और कृति का फेवरेट सब्जी नहीं बनी ना, इसीलिए कृति बोल रही है कि मुझे ब्रेकफास्ट नहीं खाना है। उसको ना आलू की सब्जी पसंद नहीं है, उसको दाल मखनी दे दो या तो मिल्क रोटी दे दो। और मैंने बोला नहीं, अभी उसका तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं था तो मिल्क थोड़ा सा मैं बंद कर रही हूँ, थोड़ा सा सब्जी रोटी खाने की प्रैक्टिस चल रहा है उसका। सबका अलग अलग होता है ना, मतलब जितना भी मैं बना लूं लेकिन वो टेस्ट अलग हो जाएगा। हाँ, वो अलग हो जाएगा, सही बात है, क्योंकि वो हाथ का बात होता है। मम्मी के हाथ का कुछ कुछ स्पेशल रेसिपी है जो अतनु बहुत मिस करते हैं। मैं बना के देती हूँ लेकिन अतनु बार बार बोलता है कि वो बात नहीं रहता है, मतलब एक हाथ चेंज हो जाने से जो होता है ना वही होता है। सो आज भी मम्मी बनाने वाले थे बट मम्मी के हाथ में पेन है तो इसके लिए मैं बना रही हूँ, नेक्स्ट किसी दिन मम्मी बनाएगी। इसको बोलते हैं जुगाड़, मतलब घर में अगर ज़्यादा मेंबर हो और कम रहे फिश तो आप इस तरह से बनाओगे ना तो हो जाएगा सबको। हाँ, तो ये चीज ना, मतलब अच्छा अच्छा खाना तो कहीं से बनाना सीख जाओगे बट ये चीज आपको घर के बड़ों से ही सीखना पड़ेगा मैनेज करना। तो क्या रेसिपी है? मेरा अच्छा, तो माय नीचे रेसिपी। अच्छा, तो मास्टर का मुझे बोलते हो? नहीं, इधर तो इधर तो বেদানা সঙ্গে রেখে দিবে একটু মা কে। তুই রাখিস নি ওখান থেকে একটু ছিঁড়ে নিজে নাও আর দিভাইকে দিয়ে এসে যাও। और मम्मी को ना राइट हैंड में पेन जो है पहले से था, जॉइंट पेन था, बट जब मम्मी गिर गए तो उसी साइड में गिरे तो हाथ का जो पेन है वो ज़्यादा बढ़ गया है। लेग में पेन था बट अभी ठीक है, और क्रैप बैंडेज हाथ में लगा के मम्मी बोल रही है थोड़ा सा आराम हो रहा है। একদম বাচ্চা। হ্যাঁ, আমি দেখেছিলাম রাখা দিয়ে ভিডিও দিচ্ছিল, কে জানে ভিতরে খেয়েছিলাম, রান্না করছিলাম, যাই দেখছি বিশ মাসের তেলটা খেয়ে নি কি মা গো দেখছে গা যাই হোক। তুই এটা খেয়ে নিবি, তুই এটাকে তখন আমার ভালো করে কথা বলে যায় না, সে হাত চেপ চেপ তো হাত। नमक और हल्दी तो झोल होगा ना? हाँ, झोल होगा।
ঝোল তো হবে না এই যে আলু চচ্চড়ি নতো হ্যাঁ আলু চচ্চড়ি তো সরষেটা থাকে না না আলু তো সরষে দিয়েও করতে পারো আলু চচ্চড়ি और इसमें ना ज़्यादा मसाला नहीं जाता है। जैसे मैंने ऑनियन को फ्राई किया, उसके बाद मस्टर्ड को पीस के डाल दिया और थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा सॉल्ट स्वाद के अनुसार मैंने दिया। और उसके बाद पानी डाल के उसको उबाल लेना है और फिश जो हमने तोड़ के रखा था वो सब फिश हम लोग इसमें डाल देंगे। सो ये एकदम से जब ड्राई ड्राई बन जाएगा तभी आप इसको निकाल दीजिएगा। ये बनाना बहुत ईजी है, बहुत ही यूनिक एक रेसिपी है आज मैंने सीखा। ये एक्चुअली फ्लेक्सीड की बोड़ी है। सो एक्चुअली जो थिसी होता है ना उसी हिसाब से इसकी रेसिपी बनाया गया है। इसको हम लोग फ्राई करके खाएंगे। मैं तो फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी और मैंने सुना है इसके बारे में बहुत, तो अगर ये बहुत अच्छा बनता है ना तो मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी ट्राई करूँगी। क्योंकि ये फ्लेक्सीड है सो वो सेम चीज़ है या नहीं वो एक्चुअली हम लोगों को देखना है। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ जो प्रॉपर रेसिपी है वो शेयर करूँगी। মাছলি খেতে হবে তবে তো হেলথ হবে। হরি ওম হরি ওম হরি ওম। ডালিয়া 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 হয়েছে। ভাজাটা খুব সুন্দর লাগছে। তাড়াতাড়ি যেমন তেমন করে করেছি, মিল ছিল না, মরিচ মরমর ছিল। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं पेंट कर रही हूँ। आज का ये ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।